हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रहमान अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मैथ्स ईमैन। आज अपन प्रेजेंट हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल चैप्टर में स्पेशली आज अपन डिस्कस करेंगे दो थ्योरम के बारे में, ठीक है, जिसपे मतलब आपके सर्कल के क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं उस थ्योरम को। आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि एंगल सबस्टेंडेड, ठीक है, बाय एन आर्क एट द सेंटर इज जस्ट डबल, है ना। देखिए आपका जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है, सिर्फ आपको जो डिस्प्ले हो रही है उतना ही स्टेटमेंट आपको गिवन होगा और उसी के थ्रू आपको प्रूफ करके बताना होगा कि दैट इज द करेक्ट। तो देखिए आपका थ्योरम ये कह रहा है कि एन आर्क, एक आर्क है, सपोज ए बी इज एन आर्क, ये जितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज डबल, और यही आर्क रिमेनिंग सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। देखो रिमेनिंग सर्कल ये है, उसके किसी भी पॉइंट में सेम यही आर्क जितना एंगल सबस्टेंड करेगा, ठीक है, सपोज दिस इज द पॉइंट सी, सो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल डबल है इस एंगल का, यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपको नीचे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अपन प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं इसके प्रूफ। तो देखिए ये एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करेगा जिसके थ्रू आपको राइट डाउन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है क्या क्या गिवन है आपको, उसको आपको नोटिफाई करना होगा, राइट डाउन करना होगा। तो गिवन है क्या, गिवन है भाई एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, इज इट ओके, सेंटर ओ रेडियस आर है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है एंगल ए ओ बी एंड रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ए सी बी एंड ए सी बी, ये आपको नोन है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रूफ क्या करना है, तो जिस मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूं, स्टेप जो मैं राइट डाउन कर रहा हूं, ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा, ठीक है, और इसको आप बाई सिक्वेंस राइट डाउन करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। प्रूफ में देखते हैं हम लोग कि प्रूफ क्या करके दिखा रहे हैं। तो उसने कहा कि एन आर्क विच इज सबस्टेंडेड एंगल एट द सेंटर इज जस्ट डबल, तो ये एंगल जो आर्क ए बी जो है सबस्टेंड कर रहा है कहां पे, सेंटर में, ए ओ बी, दैट इज दिस इज इट जस्ट डबल ऑफ द रिमेनिंग एंगल विच इज सबस्टेंडेड बाय द आर्क, सिमिलर आर्क है ना। तो ए सी बी मतलब ये एंगल इस एंगल का, ये एंगल जो है वो इस एंगल का जस्ट डबल है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आप राइट डाउन करेंगे, आपने क्या किया, तो ओ ए को आपने मीट कराया है, ओ ए ओ बी, ठीक, इसके अलावा आप मीट कराइए इसको भी, ठीक है, इसको नेमिंग दे दीजिए एम। तो आपने मीट करा ओ सी एंड ओ एम, ठीक है, इसको आपने क्या किया, मीट किया है, ठीक है, और मीट्स, ओके। तो इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट नोटिफाई किया, देन आप आएंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। डिडक्शन, डिड्यूस कर रहे हैं अब आप, तो डिडक्शन देखेंगे आप, ठीक, कैसे ये प्रूफ होगा, किस प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे जिससे कि आप इस चीज को प्रॉपरली प्रूफ करके बता पाएंगे कि दैट इज दी 100% करेक्ट, ओके। तो इतनी चीजों को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, देन आफ्टर अपन प्रोसीड करेंगे फॉर आवर नेक्स्ट स्टेप। डिडक्शन में आते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, देखिए यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का मार्कर है और इससे शायद ये ज्यादा अच्छा ना विजिबिलिटी हो आपको, बट आप मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ट्राइंगल ओ ए सी, यहां पे आप अपना पूरा माइंड जो है वो यहां पे कर
अप्लाई करिए। ठीक, आप देखेंगे कि ओसी इज इक्वल टू ओए, वाई का ही इक्वल होंगे भाई। ठीक है, रीजन देना पड़ेगा आपको। तो देखिए ओसी एंड ओए, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। अब देखो आप, ये क्या हो गया है, ये है आपके पास ओ सी है, ये ए है ये। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वल हो गए हैं आपके पास। तो इससे क्या हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए। अब इक्वल होने की वजह से क्या हुआ कि ये क्या हो गया, आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि भाई जब ये साइड इक्वल है तो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो इक्वल। सो यू कैन से कि एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। रीजन देना पड़ेगा आपको कि क्यों इक्वल आप रिटर्न कर रहे हो, बिकॉज दिस इज आइसोसेलस ट्राइंगल। ये आपको नोटिफाई करना होगा, बताना होगा कि आइसोसेलस ट्राइंगल है। सो इट इज इक्वल, दिस एंगल आर इक्वल। अब देखो ये डायग्राम को अपन अलग करते हैं। ये ओ है, ठीक, ये ओ है ना, उसी उसी पे आपको क्लेरिफाई कराते हैं, उसी उसी डायग्राम पे। आइए देखते हैं, यहां पे देखिए, अगर मैं ए ओ एम की बात करूं, ए ओ एम की बात करूं, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है फॉर दिस ट्राइंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और यू वेल मेमोराइज दैट कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यू कैन राइट ओवर हियर एंगल, एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इज जस्ट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ये तो पास के हो गए, अपोजिट है नहीं, तो अपोजिट कौन कौन से हो गए, ये वाले और ये वाले, इन दोनों के सम के इक्वल दिखाइए। तो एंगल क्या हो जाएंगे, ये ए ओ सी, ओ ए सी, ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, ओ सी ए। ठीक है, अब यहां से देखो ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए, ओके, सो ओ सी ए इज ऑल्सो राइट डाउन ओवर हियर, ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी, बिकॉज दीज आर इक्वल। देखिए यहां से ए ओ एम, तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू टू, सिमिलर चाहिए देखो यहां पे, तो टू एंगल ओ ए सी, दैट इज ओके। एज सिमिलर, जैसे कि आपने ये ट्राइंगल इसकी बात करी है, ठीक है, एकदम सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल ओ सी बी की बात कर लीजिए, ओ सी बी की, ठीक है, यहां पे आपने क्या पाया, ए ओ एम इज इक्वल टू टू ओ ए सी, तो सिमिलरली इस पे भी आप क्या पाओगे, एंगल बी ओ एम, बी ओ एम इज इक्वल टू टू एंगल ओ बी सी, चेक आउट कर लीजिए आप, ओ बी सी यही पाएंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। नाउ एड ऑफ द बोथ इक्वेशन, ठीक है, एडिंग, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, इसको आप एड कर रहे हैं, देन यू कैन राइट ओवर हियर एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू टू, यहां भी है टू, इस पे भी है, कॉमन कर लो, लेट बी कॉमन इट, सो इन साइड में ओ ए सी प्लस एंगल, एंगल ओ बी सी, इज इट ओके, ओ बी सी। नाउ ए ओ एम, ए ओ एम, दिस इज
एम एंड बी ओ एम बी ओ एम ठीक है, आप देख लीजिए इसको ऐसे देन आफ्टर बी ओ एम ऐसे। सो ये क्या कंसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बना रहा है, मतलब हम इसको राइट डाउन कर पाएंगे ए ओ बी। सो यू कैन राइट ओवर हियर एंगल ए ओ बी, इज इट ओके। नाउ ओ ए सी, ओ ए सी, नाउ जस्ट सी दैट ओ ए सी, इज इट ओके, ओ ए सी एंड ओ बी सी, ओ बी सी, दैट इज ओके ठीक है। ओ ए सी एंड दिस इज ओ बी सी, दिस इज, सो इट इज कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी दिस एंगल। सो यू कैन राइट ओवर हियर टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। नाउ योर प्रूफ इज व्हाट, दैट इज सो सिमिलर एंड दिस इज द मेथड फॉर द प्रूफ, ठीक है, ऑफ दिस, इन दिस केस वेयर इज एन आर्क इज सबस्टेंडेड एंगल एट द सेंटर इज जस्ट डबल, रिमेनिंग सरफेस रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, बाय द सिमिलर आर्क। ये आर्क जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे वो जस्ट डबल है, रिमेनिंग सरफेस पे जितना एंगल वही आर्क कंस्ट्रक्ट करेगा उसका, ठीक। तो इसके प्रूफ मैंने आपको बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर रब करते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज हियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थ्योरम नंबर सेकंड सर्कल के, उसपे क्या रहता है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर है आपकी ए बी, ठीक है, तो ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है दैट इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करके बताना है कि दैट इज 90 डिग्री। इट्स सो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा, गिवन क्या गिवन है, एक सेमी सर्कल गिवन है आपको, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये गिवन है विच है सेंटर ओ रेडियस आर, ये आपको गिवन है, और गिवन है आपको डायमीटर, डायमीटर ए बी, ओके, ये आपको गिवन है एंड ऑल्सो गिवन है आपके पास एंगल ए सी बी, ये आपने ड्रॉ किया हुआ आपके थ्योरम में, इतना डाटा गिवन है आपको, दैट्स इट, गिवन डाटा ये हो गया। प्रूफ क्या करके दिखाया आपको कि डायमीटर या फिर ये आर्क, ठीक है, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सबस्टेंड करेगा दैट इज राइट एंगल, मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ एडिशनली आपने ऐड किया है उन सब चीजों को, तो उसको आप यहां पे नोटिफाई करेंगे, ड्रॉ द ओ ए एन ओ बी, ठीक है, मीट्स, इनको आपने क्या किया है, मिला दिया है। फिर आते हैं डिडक्शन पे, ठीक है, डिडक्शन फॉर्मूले को प्रूफ करने चलते हैं आप। तो यू नो वेल, अभी जस्ट बिफोर हमने बताया हुआ है एक थ्योरम कि एन आर्क विच इज सबस्टेंडेड एंगल एट द सेंटर इज जस्ट डबल, वही आर्क जो सबस्टेंड करेगा रिमेनिंग सरफेस पे, और सेंटर पे जो, ठीक है, एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा वो जस्ट डबल है सेम आर्क से, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा उससे। तो सो सिंपल है, आप यहां पे नोट डाउन करिए, देखो ये ए बी एक आर्क है, तो ए बी के थ्रू ये देखो एंगल सेंटर पे क्या है, नोटिफाई कर रहा है ए ओ बी, तो दिस इज जस्ट डबल ए सी बी, यही आर्क सेंटर पे एंगल बनाया है ए ओ बी लाइक दिस, एंड सिमिलर आर्क ए बी यही क्या कर रहा है, यहां पे भी एंगल ड्रॉ कर रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आप यहां पे नोट डाउन करेंगे, इससे पहले जो थ्योरम बनाया उसका स्टेटमेंट को पूरा आप यहां पे क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे,
ठीक है, जस्ट बिफोर दिस थ्योरम मैंने एक थ्योरम प्रूव किए हुए हैं, उसके स्टेटमेंट को आप यहां पे क्या करेंगे, कोट करेंगे कि इस वजह से आप ऐसे नोट डाउन कर रहे हैं। अब ए और बी को एकदम केयरफुली ऑब्जर्व कर लो, देख लो ये कितना दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हैज द एंगल 180 डिग्री, सो यू कैन राइट ओवर हियर 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी इज व्हाट, 180 बाई 2, सो यू कैन राइट ओवर हियर 90। सो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ द प्रूफ ऑफ दिस टाइप ऑफ थ्योरम, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दो थ्योरम आपको सर्कल के बताए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे सर्कल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।